मेरा तो यही मानना है कि कोई भी फेस्टिवल हो उसे हमें मन से इंजॉय करना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे और एक खुशी का माहौल हमारे घर में रहे। लोहड़ी में हम जो तिल अर्पित करते हैं ना, उसका विशेष महत्व है और सभी का अपने अपना लोहड़ी के बारे में विचार है। हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 जनवरी और आज है लोहड़ी और आज का व्लॉग होने वाला है लोहड़ी स्पेशल। ये समय है सुबह 7 बजे का। सबसे पहले मेरी ओर से मेरी सभी सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी लोहड़ी। मेरी ओर से आप सभी को लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। फेस्टिवल होते हैं तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, इसलिए मुझे वर्कआउट और जो मेरी एक्सरसाइज है उस दिन मुझे छोड़ना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मैं यहीं बाहर अपना टहल लेती हूँ। मेरे यहाँ किसी भी फेस्टिवल के दिन की शुरुआत होती है मीठे से और इस मीठे का भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगाया जाता है, उसके बाद प्रसाद के रूप में हम सब ये लेते हैं। यदि घर में मुझे मीठा बनाने के लिए कुछ कहा जाता है तो मुझे सबसे इजी रेसिपी हलवे की लगती है, जो 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। इसके लिए मैंने आलू को बॉईल करके मैश किया है और इसमें ऐड किया है मैंने हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च और डाले हैं इसमें मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें डाला है जीरा। इसमें अजवाइन और हींग जरूर डालें। इस मसाले से बनेंगे हमारे बहुत ही टेस्टी यमी आलू के पराठे। ब्रेकफास्ट के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। कैसे हो आप सब? आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी लोहड़ी कैसी रही। तो मिलते हैं शाम को लोहड़ी पर।
लोहड़ी में हम जो तिल अर्पित करते हैं ना, उसका विशेष महत्व है और सभी का अपने अपना लोहड़ी के बारे में विचार है। उस पुराण में जैसे कहा गया है कि जो तिल है भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए धार्मिक कार्यों में तिल का यूज़ किया जाता है। जैसे अग्नि में हम तिल डालकर अग्निदेव को खुश करते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि फसल की कटाई की खुशी में लोहड़ी मनाई जाती है। और आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो लोहड़ी है जो हम तिल अर्पित करते हैं, तिल डालने से जो पर्यावरण में प्रदूषण है वो खत्म होता है, वो दूर हो जाता है। और इसके अलावा जो हम अग्नि में तिल डालकर परिक्रमा करते हैं, इससे बॉडी में गति आती है, बॉडी को एक शक्ति मिलती है। यदि हम विज्ञान की नज़रों से देखें तो जो पोष के महीने में लोहड़ी आती है और ये सर्दियों का अंत लेकर आती है, इसके बाद सर्दियां घटनी शुरू हो जाती हैं। तो सभी को लोहड़ी को लेकर अपने अपने अलग अलग विचार है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि कोई भी फेस्टिवल हो उसे हमें मन से इंजॉय करना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे और एक खुशी का माहौल हमारे घर में रहे। जैसे तू कर रहा है ऐसे नहीं टूटेगा। वाह, टैलेंटेड लोग। क्या जवाब है, वाह जी वाह। ले रख उधर, लो इसमें लगा दे। ये तो चाहिए था, ऐसे टूटती है ये छोटे छोटे, ये रखने वाले हैं गुटके से।